हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन। वेलकम टू पूनम्स किचन। आज पूनम्स किचन में बनाने वाले हैं हम हेल्दी दाल बाफले। ये मैंने ले लिया है मल्टीग्रेन आटा, जो बहुत ही हेल्दी है हेल्थ कॉन्शियस पीपल के लिए। इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच हल्दी, और इसमें कुछ डाल दूंगी अजवाइन, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा घी बॉयल के लिए, जिससे हमारी जो है बाफले सॉफ्ट बनेंगे। आइए अब इसको हम पानी डाल के गूंद लेते हैं। इसको हम थोड़ा टाइट गूंद लेंगे। इसको से अच्छी तरह से मसल के थोड़ा टाइट आटा लगाएंगे। आटे की मैंने देखिए इसमें गोल गोल लोइयां बना दी है और बीच में होल कर दिया है। अब हम इसको गर्म पानी में बॉईल करेंगे। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है गैस पर। अब हम इसमें ये डाल देते हैं, इनको अच्छी तरह से बॉईल आने देंगे। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, जिसे दाल बाटी खाने की इच्छा है और जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं तो इस आटे की बाटी बनाकर खा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। देखिए अच्छी तरह से उबल रही है। इसे हम 5-10 मिनट और बॉईल करेंगे, जिससे बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी। फिर तो इसको हम ठंडा करेंगे। फिर ठंडा करने के बाद हम इसे घी में सेक लेंगे। बहुत ही टेस्टी बनती है, ये हेल्दी ऑप्शन है ये। आइए बाफले के साथ हम दाल बनाते हैं। ये मैंने ले ली थी तुअर की दाल, इसको मैंने 2-3 घंटे भिगो दिया था पानी में। आइए आप इसको बना लेते हैं। कुकर रख दिया था मैंने गैस पर, और इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, और इसमें डाल देंगे हम टमाटर और हरी मिर्च। मैंने इसमें यहाँ पे 4 टमाटर ले लिए हैं और 4 हरी मिर्ची ले लिए हैं। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसको 4 सीटी लगा लेंगे। देखिए बाटियाँ अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं घी में। कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और इसमें इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए ये हमने जो बाफले बनाए थे ये अच्छी तरह से सीख चुके हैं ये। अब इनको हम बंद कर देते हैं, गैस को बंद कर देते हैं। देखिए बाटियों को मैंने निकाल लिया है, और अब इसको हम ऐसे थोड़ा हाथ से ऐसे कर लेंगे सब बाटियों को। अब मैंने ये घी को गरम कर लिया है, और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गरम गरम घी डाल दूंगी, इससे और ये अच्छी लगेगी, टेस्टी बनने। गरम घी डाल के हम इसको कैसरोल में डाल के ढक देंगे, और दाल को अब हम सर्व करते हैं। हमारी दाल बाफले रेडी है। देखिए दाल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका छौंक रेडी करेंगे। छौंक मैंने रेडी कर लिया है। इसमें लहसुन, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई, और ये अब मैं डालती हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर। ये दाल में डाल दाल में छौंक डाल दिया है। अब ये दाल रेडी है। आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए दाल बाफले रेडी हैं, वो भी हेल्दी वाले मल्टीग्रेन आटे से बनी हुई बाटियाँ हैं ये। इसे हम बाफले भी कह सकते हैं।
और बाटी भी कह सकते हैं। और ये दाल रेडी है, इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया। तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं, इसकी प्लेटिंग करते हैं हम। आइए गर्मा गर्म दाल वाफले खाइए और आप भी बनाइए और सबको बनाकर खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।